हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, इस मंथ में जो अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट मिला हुआ है हम लोगों को क्लास टेंथ का, उन सभी असाइनमेंट को मैं लिख के आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। एक सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। ठीक, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लिखना था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स दिए थे कि 75 से 100 वर्ड्स, 150 से 200 वर्ड्स, उसको ध्यान में लेके हम मेरे को लिखना था। और ये जो भी क्वेश्चन थे वो ना गाइड में मिल रहे थे ना बुक्स में मिल रहे थे, तो मेरे को बुक पढ़ना पड़ा उसके बाद लिखना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। अभी हम लोग जो अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट 2 मिला हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसको देखेंगे। मैं यहां पे सभी क्वेश्चंस को लिखा हूं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों। ये क्वेश्चन तो आपके बुक में है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। और मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो लोग को देखा, उन लोग भी ऐसे ही छोटा छोटा आंसर लिखवा दिए हैं। स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि शब्द सीमा के अंतर्गत अगर नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें, मैं ये जो लिखवा रहा हूं इसलिए लेट हुआ क्योंकि मेरे को शब्द सीमा को ध्यान में रखना था और इसको लिखवाना भी था अच्छे से ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है, क्या इसके और तरीके हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटे में, ठीक है। तो इसको भी देखिए मैं लिखवाया हूं, ठीक है, आप इसको देख के लिख सकते हैं और अच्छे से लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, संविधान के उद्देश्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संविधान सभा का गठन की सीमा तक लोकतांत्रिक था, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं दे दिया हूं, आप इसको देखकर लिख सकते हैं और अच्छे से लिखें, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखें, मतलब जगह छोड़ छोड़ के लिखें ताकि आपका पेज भरे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था वो होने वाला नहीं है, तो यही हम लोगों का एग्जाम माना जाएगा, ये भी सोच के आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से लिखें। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ठीक है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार के नियंत्रण करती है, प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। ये कुछ तरीके मैं पहले एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं और उसके बाद मैं देखिए उसको एक्सप्लेन किया हूँ पूरे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होता है। तो क्यों सकारात्मक होता है ये भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट बहुत मेहनत लगता है इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में नहीं मिलेंगे और बुक में मिलेंगे तो बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, इसमें आपको चुन चुन कर इसमें लिखना पड़ता है ताकि अच्छे से कंटेंट बन सके, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो अभी तक असाइनमेंट नहीं लिखे हैं वो असाइनमेंट देखकर लिख लें। और अगले मंथ का भी जो असाइनमेंट होगा मैं आपको सबसे पहले आप तक प्रोवाइड कराऊंगा, 28 नवंबर तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, 28 से 29 नवंबर तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जो नवंबर महीने का असाइनमेंट है जिस चैप्टर से आएंगे उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि आप जो चैप्टर लिख रहे हैं वो नया है, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट।